subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अभी मैं एक बार एक दोस्त ने गांजा पिला दिया था। एक मेरा भाई ड्रिंक करता है, तो हम दोनों के वजह से घर वाले परेशान रहते थे। पहले 300 में हो जाता था एक बार में, फिर लिमिट बढ़ती गई। इंजेक्ट लेता था मैं एविल में एटनो मिला के। तलब होती थी तो मैं नागलोई से सुल्तानपुरी जाता था नशे के लिए, लेने के लिए 15-16 किलोमीटर दूर। रात के 2 बजे गया मैं, अब मेरे को तलब हो रही थी, टूटन हो रही थी, इसीलिए मेरे से रुका नहीं गया। मैंने उसी की यूज़ करी हुई लगा ली। जब मेरे को पता चला पहली बार एचआईवी है, मेरे दिल में भी घबराहट हो रही थी, झटका लगा एक बार में कि क्या कर लिया। थोड़े से मजे के लिए ज़िंदगी भर की सजा हो गई। ये कोटला में SPIM सेंटर है, नीचे एम्स के डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ चेकअप करते हैं मेरा। मेरे को लग रहा था पहले के टाइम में कि अब ये मरने पर ही छूटेगा, और जब मेरे को पता चला, मैंने इलाज लिया और खुद में ठान ली, तब जाके मुझे पता लगा हाँ इसको छोड़ सकता हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। अब मैं नशा मुक्त हुआ हूँ। मेरा नाम, मैं अभी मेरा गांव है क्या बिहार, मधुबनी ज़िला, और मैं यहाँ दिल्ली नागलोई में रहता हूँ। घर में मेरे 5 लोग हैं। पहली जब मैं 9वीं में था, 9वीं में एक बार एक दोस्त ने गांजा पिला दिया था, तो मैंने मजे मजे में पी लिया। फिर गांजा शुरू हो गया सर, एक दो दिन पीता रहा, फिर वो चालू हो गया। फिर जब स्कूल में ही मन नहीं लगने लगा पढ़ाई वढ़ाई में, तो छोड़ दिया स्कूल भी। फिर जब घर के माहौल भी है, माहौल में समय लगे, इंजेक्ट लग गई। हम दोनों भाई कोई काम नहीं करता है। एक मेरा भाई ड्रिंक करता है, तो हम दोनों के वजह से घर वाले परेशान रहते थे। पैसे मैं अपना कर लेता था, दिहाड़ी कमा लेता था, घर वालों से ले लेता था। हमारी मम्मी पापा काम करते हैं, अपना परचून की दुकान में अपना चलता है, कम से कम 500-700 रुपये की दिहाड़ी अपनी बन जाती है, उसी में घर चलता है। जब गांजा उंजा पीता था तब मैं पैकिंग का काम करता था। जब से समय डस्ट लगा तब से काम छोड़ दिया। फिर मैं दुकान में ही हेल्प करा देता था। मैं कुछ बहाना मार देता, जैसे कपड़े नहीं है, जूता फट गया, जूता लेके आना है, फ़ोन रिचार्ज कराना है। पहले 300 में हो जाता था एक बार में, फिर लिमिट बढ़ती गई, तो फिर आदत भी बढ़ती, फिर कहीं ना कहीं से दिमाग लगता गया। फिर कहीं 600 ले लिए, किसी से दोस्त से उधार ले लिए, कहीं फिर काम ही कर लिया, तो क्या लिमिट 1000-1500 रुपये कर लिया, लिमिट बढ़ गई। इंजेक्ट लेता था मैं एविल में एटनो मिला के, तो पहले तो दोस्त यार से पहले तो अपनी खरीद लेते थे, नहीं, फिर कभी ऐसा हो जाता था नहीं है या लेट हो गया है, दुकान वकान बंद है, सिरिंच नहीं मिली, तो मैंने दोस्त यार से ऐसी उसकी लगाई हुई सिरिंच लगा ली। तलब होती थी, नागलोई से सुल्तानपुरी जाता था नशे के लिए, लेने के लिए 15-16 किलोमीटर दूर ऐसे ही पैदल चला जाता था। सिर्फ शरीर भड़कते थे, नींद नहीं आती थी, ऐसी तलब लगती थी। जो सेल्समैन है ना, वो सब चीज़ रखता है, एवेल, सिरिंच, निडल और एटनोक की गोली सब रखता है वो। तो उससे 200 रुपये का लिया, एटनोक को एवेल में मिक्स किया, सिरिंच में भरा, सिरिंच में भर के लगाता था। तो रात के 2 बजे गया मैं लेने, तो एवेल और गोली ही थी उसने, उसके बाद निडल और सिरिंच नहीं थी। तो एक दोस्त मिल गया मेरे को लगाते हुए। अब मेरे को तलब हो रही थी, टूटन हो रही थी, इसीलिए मेरे से रुका नहीं गया। फिर मैंने मेरे को मालूम भी नहीं था कि चाय भी हो जाती है उससे, तो मैंने उसी की यूज़ करी हुई लगा ली। बहुत ढूंढा, मिली ही नहीं। 2 बजे कोई मेडिकल वेडिकल कुछ खुलता नहीं है, तो उससे हो गया पता नहीं चला मेरे को 10-15 दिन। फिर मैंने एक बार खून जांच करवाया था, जब मेरे को पता चला पहली बार चाय भी है, मेरे दिल में भी घबराहट हो रही थी, झटका लगा एक बार में कि क्या कर लिया। थोड़े से मजे के लिए ज़िंदगी भर की सजा हो गई। मैं चाय भी का पेशेंट हूँ, मैं चाय भी हो रखी है, मेरे अम्बेडकर से दवाई चल रही है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर नहीं थी, डॉक्टर मैडम है, तो उनको पता चला नशे वशा करता है, छोड़ नहीं रहा, तो उन्होंने मुकेश सर का नंबर दिया था, उनको पता था। एक बार आके देख लिया मैंने माहौल वाल, समझा दिया, पेशेंट से भी थोड़ा बात बात कर लिया कि सही है, सेंटर भी सही है, प्राइवेट जैसा नहीं है, हमने यहाँ पर घर जैसा ही है। ये कोटला में SPIM सेंटर है, नीचे एम्स के डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ चेकअप करते हैं मेरा, तो गोली बांध देते हैं अपना, फिर ऊपर आके सर स्टाफ इधर के खिलाते हैं गोली, वो खा के अपना आराम रहता है। यहाँ पे जब ट्रीटमेंट लेने आया मैं, तो यहाँ एटनोक की गोली मिलती है टूटन रोकने के लिए, वो खा के अपना फैमिली जैसे रहते हैं। प्राइवेट में होता है किसी से बात नहीं कर रहे, इतना काम धाम, मारपीट ये सब नहीं देखा मैंने।
ये सब इधर सही है, फैमिली की तरह रहते हैं, ना रोक टोक, अपना बातचीत कर सकते हैं, अपना कुछ भी खेलो कूदो कुछ भी करो, अपना 5 बजे टीवी चल जाता है, पूरा टाइम टेबल सब रूल सब सही है, इसलिए हमको भी सही घर जैसा ही लगा सर। मेरे को लग रहा था पहले के टाइम में कि अब ये मरने पे ही छूटेगा, और जब मेरे को पता चला, मैंने इलाज लिया और खुद में ठान ली, तब जाके मुझे पता लगा हाँ इसको छोड़ सकता हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। अब मैं नशा मुक्त हुआ आराम से। पहले दवाई जब चालू हो गई थी तब पूरा गाल वाल सूख रहा था, पतला सा हो गया था, अब खा रहा हूँ कम से कम 7-8 महीने से खा रहा हूँ, तो शरीर लग रहा है कि हाँ थोड़ा मजबूत है शरीर, गाल वाल भी चेहरा वगैरह भी सही हुआ है थोड़ा। और एक चीज़ और दोस्तों कि सिरिंज विरिंज लगाओ तो नहीं लगाए, किसी की यूज़ करे हुए मत लगाओ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये HIV की ऐसी बीमारी है पूरी ज़िंदगी भर रहती है और इसमें दिक्कत भी आ जाती है, इसलिए सिरिंज नीडल यूज़ करी हुई मत लगाओ, नहीं लगाओ भाइयों। नशा तो नशे में कुछ नहीं रखा है, नशा छोड़ने वाले पे ऊपर होता है, छोड़ोगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, मन में ठान लो बस, ऐसे अपना सेंटर में आओ, मन में बना लोगे तो घर पे भी छोड़ दोगे, लेकिन घर पे ही होता है कि दवाई ववाई नहीं मतले तो दौरे के चांस है। अब यहाँ अगर ऐसी जगह पे आ जाओगे सेंटर में तो अपना गोली दे के थोड़ा लिमिट में वो होगा, टूटन वूटन नहीं मचेगी, शरीर भी सही रहेगा, अपना ऐसे कम हो जाएगा, और दिल में ठान लोगे तो छूटेगा ही छूटेगा।